लेते हैं जो हरिद्वार से आ रही है, जहां टिबड़ी कॉलोनी से सटे जंगल में आग का तांडव दिखाई दिया है। आगजनी से राजाजी टाइगर की वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड और कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, तो आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मियों की तरफ से टिबरी कॉलोनी से सटे जंगल में आग का तांडव दिखाई दिया है। आगजनी से राजाजी टाइगर की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयूर, आखिर ये आग कैसे लगी और किस तरह से इस पर अभी काबू पा लिया गया है या नहीं, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्योंकि गर्मी का सीजन जो है लगातार अब चल गया है, उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो आग का सिलसिला भी जारी है। ये जो मामला है ये टिबड़ी जो है क्षेत्र पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क से, जंगल का सतावा बिल्कुल इलाका है। इसमें जो है अचानक से आग लगी, आग का कारण का तो खैर पता लगा नहीं पाया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वो जंगलों की तरफ जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जो है किसी तरीके से आग को काबू पा लिया। आग काफी भीषण है, ऐसे में लगभग कितनी टीमें यहाँ पर फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और उसके बावजूद जो है वन विभाग की जो मौके पर जो टीम है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। क्योंकि साफ तौर से क्योंकि जंगल का काफी सटा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं कि, और क्योंकि आग अगर जाते ना फैले, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके बावजूद जो है प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पा लिया गया। लेकिन साफ तौर से जिस तरीके से आग अगर मौके पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर ना आते तो कहीं ना कहीं ये आग बढ़ती जाती और जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से साफ तौर से आग को बुझाया गया। लेकिन जो आग है ये लगातार कई किलोमीटर लंबी फैलती जा रही थी और क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंगलों में फैलकर जो जानवर जो जंगली जानवर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हो सकता था। जी बिल्कुल, क्योंकि आग इतनी भीषण है, ऐसे में आग पर काबू पाना वाकई में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही होगी दमकल कर्मियों को। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे कि खबर आ रही है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचा है टाइगर, जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वहां पर। बिल्कुल, देखिए जो राजाजी टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है, क्योंकि ये पूरा जंगल से कई किलोमीटर तक का जो एरिया है वो जंगलों से बिल्कुल सटा हुआ है, बराबर में हाईवे भी निकल रहा है और मकान भी जो है काफी लोगों के बने हुए हैं। और साफ तौर से जिस तरह से ये आग अचानक से लगी और आग काफी भयंकर आग थी और काफी बड़ी लपटे इस आग की थी और वो काफी कई किलोमीटर के बात करें तो किलोमीटर तक जरूर फैल जाती है। उसके बाद भी जब इसकी सूचना वन विभाग को स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई तो उसके बावजूद वहां पर जो है स्थानीय लोग और वन विभाग और जो है अग्निक्रम की जो है वो टीम वहां पर मौके पर पहुंची और इस आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। हालांकि आगे आग ना फैले तो उसके लिए जो है कुछ ऐसा बना किया जा रहा है कि ताकि आग ज्यादा ना जिससे ज्यादा ना फैले उस स्थान को वहां कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। मयूर, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए आधिकारिक बयान तो अभी तक कोई नहीं है क्योंकि जंगल है, जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगती रहती है। तो साफ तौर से क्योंकि अगर हाँ इतना जरूर था कि वन विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, अगर आग काफी लंबी फैल जाती तो बहुत मुश्किल था कि आग को बुझाना, उसके बावजूद जो जंगली जानवर है कहीं ना कहीं उनको नुकसान जरूर यहाँ पर पहुंचता। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मिली तो भीषण आग को काबू पाने में आने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल आग पर